हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं हूँ सुखेंदु और जीएस किचन में आप सभी को स्वागत है। सो गाइस, आज हम बनाने वाले चिकन मंचूरियन। कैसे बनाया जाता है आप लोग देखिए पूरा वीडियो के अंत तक और ट्राई कीजिए बनाने को। चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गाइस, हम यहाँ ले लिया है 2 पीस ऑनियन, टमाटर 1 पीस, 2-4 ग्रीन चिल्ली, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता। इसको हमने काट करके ले लिया है कीमा करके, और उसके साथ ले लिया है 1 नींबू पीस, और ले लिया है बोनलेस चिकन 200 ग्राम तक, उसको हम 18-20 ग्राम तक का काटिंग करके ले लिया है। राइस इसको हम कर लेंगे मैगनेट। तो मैगनेट करने के लिए एक अंडा ले लिया है, इसमें तोड़ कर दे देंगे, और उसके साथ देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टेस्टिंग पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सेजोन सॉस और थोड़ा सा विनीगर, और इसके साथ देंगे 2 टेबल स्पून के आसपास कॉर्नफ्लावर, और देंगे 2 टेबल स्पून के आसपास मैदा। देकर गाइस इसको कर लेना है मैग्नेट। मैग्नेट करके इसको लगभग 5-10 मिनट तक रेस्ट में रख देना है, और उसके बाद इसको करना है फ्राई। तो चलिए मैग्नेट कर लिया है, इसको रख देंगे पहला 5 मिनट तक रेस्ट में, और उसके बाद फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई बैटर लिया है, और उसमें हम लोग 300 ग्राम तक रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तेल को कर लेंगे थोड़ा सा गर्म, तेल गर्म हो जाने के बाद गैस इसमें हम लोग चिकन को छोड़ देंगे। फ्राई करने के लिए हर चिकन को ऐसे ही छोड़ देंगे तेल में। छोड़ने के बाद गैस इसको अच्छे से कर देंगे फ्राई, अच्छा से इसे पकाना है तेल के अंदर। चिकन फ्राई होने के बाद चिकन को उठा लेंगे तेल से गैस। उठाकर मसाला का रेडी करेंगे हम लोग। तो चलिए मसाला का रेडी करते। तो एक फ्राई पैन ले लिया है गैस, उसमें हम लोग दे देंगे रिफाइंड ऑयल 3 टेबल स्पून के आसपास। तो इसमें हम लोग डाल देंगे ऑनियन और हरा मिर्चा को डालकर इसे कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। ऑनियन थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन कीमा, और इसे भी कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। ये भी थोड़ा सा फ्राई होने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे टमाटर कीमा, ऐड करके थोड़ा सा भून लेना है गाइस। फिर हम लोग क्या करेंगे, सॉसेस को ऐड करेंगे इसमें। तो चलिए ऐड करते हैं शेजवान सॉस 1 टेबल स्पून, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून करके इसे थोड़ा मिला लेना है ऑनियन के साथ। मिलाने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे विनीगर 2 टेबल स्पून के आसपास, और करेंगे ड्रैग सोया सॉस 1 टेबल स्पून, और इसके साथ देंगे मसाला नमक 7 बराबर, चीनी 1/2 टेबल स्पून, टेस्टिंग पेपर थोड़ा सा, ब्लैक पेपर थोड़ा सा, देकर इसको थोड़ा भून लेंगे। भूनने के बाद गैस इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद
पानी को थोड़ा उबलने देंगे। पानी अच्छा से उबल जाएगा तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर घुला हुआ 2 टेबल स्पून के आसपास, ताकि ये ग्रेवी थोड़ा टाइट हो जाए। कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसमें हम लोग ऐड कर देंगे चिकन का पकौड़ा को, ऐड करके इसको अच्छा से भून लेंगे। ज़्यादा नहीं गाइस, बस मिलाना है, मतलब कि 1 मिनट तक ही भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नींबू का रस थोड़ा सा, और देंगे धनिया पत्ता थोड़ा सा, देकर इसको थोड़ा मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम लोग आज का रेसिपी रेडी हो जाएगा। तो गाइस ये था आज का हम लोगों का रेसिपी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टाटा।